Kidnapped! Naruto's Hot Spring Adventure! आइए हमारे हॉट स्प्रिंग में आपका स्वागत है। स्वागत है। कैनन बॉल। सोचा था यहाँ आकर मैं खूब मजे करूँगा, पर यहाँ तो सिर्फ पप्पू दिख रहा है। लड़कियाँ नहाने कब आने वाली हैं? अभी हमारे पास डिनर से पहले काफी वक्त है, तो मैं जाकर कुछ मजेदार गेम खेल लेती हूँ। क्या आप हॉट स्प्रिंग में जाके आराम नहीं करना चाहती? रहने दो, वहाँ पहले से ही दो घनचक्कर मौजूद हैं। उन्हें छोड़ो, मेरे साथ चलो। मेरा तो हो गया, आप बाहर आ रहे हो? अभी तो नहीं आने वाला, मैं कुछ देर और किसी का इंतजार करता हूँ। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आ जाओ लड़कियों। आ गया जलवा। गर्म पानी में नहाकर एकदम फ्रेश हो गया। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ओ नो, ग्रैंडमा सोनाटे से जो नेकलेस जीता था वो यहाँ पर नहीं है। एक मिनट, शायद मैंने उसे कहीं और रखा था। नहीं, शायद वो अगर नेकलेस वापस चाहिए तो पहले उधार के पैसे चुकाओ। अकागी फैमिली टाउन के बाहर तीन पेड़ों के पास तुम्हारा इंतजार करेगी। कौन से पैसे? और मैंने इन लोगों से उधार कब लिया? वैसे ये सब की सब फीमेल तो हैं, पर ये सुंदरियां नहीं, ये बंदरियां हैं। किस्मत में लगता है सिंगल रहना ही लिखा है। अकागी फैमिली, लो मैं आ गया। पेड़ के पीछे छुपना बंद करो, बाहर आओ जल्दी। हमसे क्या चाहते हो बच्चे? अरे यही सवाल तो मैं तुम लोगों से पूछने आया हूँ। मैंने तुमसे उधार कब लिया? मैंने तो तुम लोगों को पहले कभी देखा भी नहीं है। तो मेरा वो नेकलेस वापस करो अभी के अभी। तुम्हारा नेकलेस क्या मतलब है? रुको, कहीं हम गलत नेकलेस तो नहीं उठा लाए? हाँ वही है मेरा नेकलेस। एक मिनट रुको। शैडो क्लोन जुत्सु। मैं चाहता था यहाँ इंसान आए और इंसान आ भी गए, लेकिन ये तो क्या इस गांव में एक भी औरत है? हाँ, तो असल में ग्रैंडमा सोनाटे ने तुम लोगों से उधार लिया था। सही कहा, उन्हें लेजेंडरी लूजर कहा जाता है। वो हमेशा हारती है, और हमारे गांव में भी वो एक गेम हार गई थी और उन्होंने उस वक्त हमसे उधार मांगा था। ये देख लो, उन्होंने हमें इतने पैसे चुकाने हैं। Downloaded from Teen World for All. इसे चुकाने में तो मुझे कई जन्म लग जाएंगे। मेरा नाम है सेंटा और इसका नाम है बुंजो। तीन साल पहले हमारे फैमिली के हेड ने हमें उधार के पैसे लेकर आने के लिए भेजा था। हम अकागी माउंटेन से रवाना हुए, हमें पैसे लेकर ही लौटना था, पर सोनाटे का कहीं पता नहीं चला। हमने हर जगह उन्हें तलाश किया। हमें बस लोगों से सुनने मिलता कि वो यहाँ है, वहाँ है, वो हर बार हाथ से निकल जाती। उनके बारे में कहा जाता है कि जब तुम उन्हें ढूंढने जाओगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, और ये सच है। और आखिरकार हमें पक्की खबर मिल गई, उन्हें यहाँ देखा गया था और वो इसी गाँव की तरफ जा रही थी। तो हमने टाउन के बाहर छुप कर उनका इंतजार किया। अब समझा, उस वक्त हम ग्रैंडमा सोनाटे के साथ यहाँ आए थे। पर तुम हमसे बात भी तो कर सकते थे, मेरा रूम गंदा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो देखने में नॉर्मल लगती थी पर वो बहुत ताकतवर है। अगर हम उनसे अपने पैसे मांगने जाते तो वो हमें हमारे पैसे कभी नहीं लौटाती। हाँ, शायद तुम लोग सही कह रहे हो। सबने हमसे यही कहा कि उनका नेकलेस उन्हें बहुत ज्यादा प्यारा है, हमें लगा वो इसके बदले उधारी चुका देंगे। हाँ ठीक है, पर तुम्हें ये नेकलेस मेरे रूम से मिला था, याद है ना? हमें पता नहीं था कि वो अपना नेकलेस अब किसी और को दे चुकी है। तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हो, तो क्या तुम उनसे हमारे पैसे मांग सकते हो? मेरी उनसे कोई अच्छी पहचान थोड़ी है। प्लीज, अगर हमें वो पैसे नहीं मिले तो हम गांव वापस नहीं जा पाएंगे। हमारे बीवी बच्चे घर पर बिल्कुल अकेले हैं। प्लीज मदद करो, हमें पैसों की जरूरत है। बिल्कुल काम करेगा। वो आ रही है। प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ाइए। तुम वहीं रुक जाओ। तुम्हें पता है ना हम दोनों कौन है? पता है ना? तुम लोग अकागी फैमिली के लिए काम करते हो, है ना? हाँ, इसलिए तुम कान खोल के सुन लो। तुम पर जितने भी पैसे उधार है तुम वो सब हमें लौटाओगे अभी के अभी। हाँ, अगर नहीं दिए तो तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। जल्दी इनके पैसे लौटा दो। तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी मैं इस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती। क्या कहा उन्होंने? ये नहीं चाहिए तो पैसे तो दे दो हमें। I just need to be patient, that's all. Ow, my foot! तुम लोगों को
मेरी कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? तुम इस लड़के को कुछ भी करो, मैं पैसे नहीं देने वाली। क्या कहा? एक मिनट रुकना, शायद ये लड़का मेरे काम आ सकता है। अब चूंकि मैं होकागे हूँ तो मुझे काम करने के लिए नौकर तो चाहिए, तो शायद इसे बचाना ही सही रहेगा। मुझे पता था आप मुझे जरूर बचाएंगी। मेरे पास फिलहाल इतने ही पैसे हैं, पर इसे छुड़ाने के लिए काफी होंगे। ये लो, रख लो। रुको, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने पैसे हैं। मैं जानती हूँ ये ज्यादा नहीं है, पर लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो पूरा हो ही जाएगा। ये क्या? वो सारे पैसे नकली थे। क्या आप उनका उधार नहीं चुकाने वाली? चुप रहो, तुम अपने काम से काम रखो। पर ये बिना वसूली किए जा नहीं सकते। और इन लोगों का क्या होगा? इनका क्या होगा? क्या कहना चाहते हो? बस बहुत हुआ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये नरूटो के शैडो क्लोन्स थे? तो अब नरूटो अकाकी फैमिली के साथ हो गया है। अब से काम और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे इतना तो पता था कि वो आसानी से पैसे नहीं देंगी, पर उन्होंने तो आते ही हमला कर दिया। अब हम क्या करेंगे? उनके पास एक बड़ा सा सूटकेस है जो वो हमेशा अपने पास रखती हैं। मुझे लगता है वो अपने पैसे उसी में रखती हैं। अगर वो सूटकेस किसी तरह हमारे हाथ लग जाए तो काम बन जाएगा। देखो तो उन्हें, मैं किडनैप हो चुका हूँ और वो आराम से बैठी बैठी चाय पी रही है। वो रहा सूटकेस, पर हम उसे लेंगे कैसे? टेंशन मत लो, मैंने उसका प्लान बना लिया है। अरे लेडी सुनाडे, आप यहाँ है? हाय, ये क्या है? क्या ये आपका सूटकेस है? हाँ वही है, मैं इसे फ्रंट डेस्क पे रखवा देती हूँ ताकि ये सेफ रहे। तब तक आप एंजॉय कीजिए। कहा था ना ले आऊंगा। बहुत अच्छे। ये क्या, इन्होंने तो वापस खींच लिया। बस बहुत हुआ, आप कोई होकागे नहीं है। जब तक आप अपने सारे उधार नहीं चुकाती तब तक आपको होकागे कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको समझ नहीं आता, ये लोग खाली हाथ अपने घर नहीं लौट सकते। आपने इनके पैसे नहीं दिए तो ये कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएंगे। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? नारुतो, ये लोग किसी दूसरे गांव से आए हैं या इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है? मैं ऐसी होकागे के लिए कभी काम नहीं कर सकता, कभी नहीं। पैसे दीजिए, लो पकड़ो, भागो यहाँ से। हाँ ठीक है। ये क्या, वो तो तेजी से हमारे पास आ रही है। मैं नहीं रुकता हूँ। तुमने उसे मारा। जॉन, जॉन, नारुतो, मुझे मेरा सूटकेस वापस करो वरना पछताओगे। लाओ सूटकेस, मुझे दो जल्दी। मुझे इनके हार्ट अटैक को डॉज करना होगा, कोई गड़बड़ की तो मेरा कचूमर बना देंगी। हटो, मैंने कहा हटो। ये सब क्या हो रहा है? बस करो, सबके सामने तमाशा बनाना बंद करो। अगर आप हमें दौड़ा नहीं रही होती तो हमें ये नहीं करना पड़ता। ठीक है, आप शैडो क्लोन जुजुत्सु। ठीक है, मल्टी शैडो क्लोन जुजुत्सु। अभी अभी क्या हुआ? पता नहीं, अब सब उस लड़के के हाथ में है। अरे नहीं, अगर सबको पता चल गया कि सूटकेस में क्या है तो सब बर्बाद हो जाएगा। सच में उन दिनों की तो बात ही कुछ और थी, है ना? यकीन नहीं होता हमने बचपन में इतनी शरारत की। वो भी क्या दिन थे। आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? दिखता नहीं हम बात कर रहे हैं। एक मुसीबत आ गई है सर। एक क्लोन, एक और क्लोन। फिर से क्लोन। ओहो, आखिर ये क्लोन कब खत्म होंगे? वो कहाँ है? आखिर असली नारुतो कहाँ है? Downloaded from Teen World for All.
की नौटंकी। अरे रुक जाइए ग्रैंडमा, छोड़िए मुझे। अरे रुकिए, बस कीजिए, छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? क्या छोड़िए मुझे। मैं तुम्हें कभी जाने दूंगी जब तुम। हमें हमारे पैसे मिल गए। बहुत अच्छे, उन्हें उनके पैसे मिल गए। उधारी का बिल, अब हमारा क्या होगा? हम कभी घर नहीं जा पाएंगे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी टाउन के बिल्कुल बीचों बीच? एक मिनट, अरे ये क्या है भाई, ये दो दो ग्रैंडमा सुनाडे कब से हो गई? तो इस नाटक में तुम भी शामिल हो शिजुने? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, बताओ मुझे। वो क्या है कि लेडी सुनाडे, शिजुने तो ये तुम थी। तुम दोनों अखागी फैमिली से हो, मैंने सही कहा ना? मास्टर जिरोजो। कौन? तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये असल में बहुत पावरफुल है, ये लैंड ऑफ टी के बॉस जिरोजो है। और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। आज हम दोनों की अचानक यहाँ मुलाकात हो गई। अगर मैं गलत नहीं तो तुम सेंटा और बुंजो हो, है ना? अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए, मुझे तुम्हें एक मैसेज देना था। क्या? अकागी फैमिली का मुझ पर अब कोई उधार नहीं है, मैंने वो एक साल पहले ही चुका दिया था। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तुम भी मेरे साथ थे शिजुने, तुम्हें याद नहीं है जब हम दोनों पिछले साल इनके गांव गए थे? मैं भूल गई। लाओ मुझे दे दो। जी सर। मुझे अकागी फैमिली के हेड की तरफ से एक लेटर मिला, मैं बस वो हिस्सा पढ़ देता हूँ जिसका वास्ता तुम दोनों से है। अगर सेंटा और बुंजो से मिलो तो उनसे कहना कि उधार पूरा हो गया है और वो घर आ सकते हैं। शुगुरो अकागी। तो अब आई बात समझ में। अरे क्या यार, इतनी दौड़ भाग करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्या मेरे कान बज रहे हैं? मुझे लड़कियों के खिलखिलाने की हवा।